Would you like to design the gift voucher for your brand promotion? If yes, then this video is for you. We are going to discuss how to create the gift voucher in Adobe Photoshop software. So, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे. The first thing is the page size, means कि क्या और कैसा कार्ड आपको बनाना है. Your requirement is different person to person or company to company. So, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक साइज को फिक्स कर लीजिएगा. Here, I am just going to pick 8.75 x 4.25 and obviously color हमारा CMYK होगा. Create पे क्लिक करेंगे. So once you do that, तो आपका automatically जो भी आपने पेज का सेटअप रखा है, साइज जो रखा है, वो यहाँ पे आ जाएगा. The important thing guys कि आपको कितना मैटर रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आप पेज का साइज लेते हो ऑलवेज, है ना. कंपनी बहुत छोटा कार्ड भी नहीं बनाएगी और कंपनी बहुत बड़े कार्ड को भी नहीं बनाएगी, है ना. बट जो आपका हाईलाइट है वो चीज जरूर होगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द थीम, मीन्स कि क्या थीम है. जैसे कि मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक फूड से रिलेटेड गिफ्ट वाउचर को. सपोज कोई नया रेस्टोरेंट खुला है या फिर कोई ऑनलाइन पोर्टल या फिर कोई ऑनलाइन सर्विस है, कोई एप्लीकेशन है लाइक जोमैटो वगैरह वगैरह, तो ये सारे क्या करते हैं, ये ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं, राइट. सो दिस इज अ सैम्पल टेम्पलेट, फाइन. And it gives you the immense idea so that you are able to design whatever you want. तो सबसे पहली चीज़ है कि क्या बनाना है, इसका एक लेआउट आप बना लेंगे ऑन योर पेपर एंड उसके बाद सिस्टम पे काम आप करेंगे. यहाँ पे मैं पिक कर रहा हूँ एक राउंडेड कॉर्नर का रेक्टेंगल जो कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूज करना है. एंड इसके बाद एक रफ कलर कोई भी पिक कर लेंगे. यहाँ पे क्या कलर रखेंगे कोई मैटर नहीं करता बिकॉज ये इमेज से रिप्लेस हो जाएगा. मैं अभी पहले लेआउट बनाऊंगा, इसके बाद हम लोग इमेजेस वगैरह प्लेस करेंगे क्योंकि फूड से रिलेटेड है. अगर आप कभी फूड से रिलेटेड बना रहे हो कूपन्स वगैरह, या फिर आप कभी किसी स्पेसिफिक मॉल में कुछ डिस्काउंट दे रहे हो ऐसा कुछ कूपन्स बना रहे हो, या फिर आप किसी टूरिस्ट प्लेस में अगर आपने कुछ सेटअप लगा के रखा वहाँ पे कुछ स्पेशल आप डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हो अपने रेस्टोरेंट या फिर होटल्स पे, या फिर कभी कुछ गारमेंट का आपका शॉप है उससे रिलेटेड, तो आपको इमेजेस तो यूज करना ही पड़ेगा फॉर अट्रैक्शन, है ना. इमेजेस अपीलिंग होते हैं सो ऑलवेज यूज करना ही पड़ेगा. नाउ अभी यहाँ पे मैं कलर फिल कर ले रहा हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू फिल 95 ऑन क्राफ्ट एंड बैकग्राउंड अल्ट बैकस्पेस इज द शॉर्टकट एज यू नो. अगर आपने फोटोशॉप का बेसिक्स नहीं देखा गाइज, यू मस्ट हैव टू वॉच दोज मास्टरी क्लास सीरीज बिकॉज काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं एंड दोज वीडियो जो है वो वीडियोज जो है वो gives you a lot of things. बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी and you definitely know how to work on this software. So मैं यहाँ पे एक shift button hold करके मैंने rotation कर लिया, मैंने इसका scale कर लिया थोड़ा सा. One thing remember कि shift hold करके scale नहीं करेंगे because इससे आपका scaling गड़बड़ हो जाएगा. आपको copy कर लेना, alt button के साथ copy कर लेंगे and थोड़ा सा मैं इसे scale कर लेता हूँ and guys इसे proper place करेंगे. जब भी आप इन्हें एडजस्ट करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से कर सकते हैं. जैसे मैंने एक पैटर्न रख लिया कि चलो एक मैं बड़ा रखने वाला हूं एंड बाकी सभी को मैं छोटा रख रहा हूं, इन सभी को मैं अच्छे से प्लेस कर लूंगा. तो चीजें जो है ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी अगर आप इसे सही तरीके से प्लेस करोगे. तो ये जो चार छोटे छोटे बॉक्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं एंड इस पर मैं चार अलग इमेजेस यूज करने वाला हूँ फॉर फूड, ठीक है. तो क्या फूड से रिलेटेड होगा वो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एंड सिलेक्शन ऑल एंड ग्रुप बना देंगे. इट्स वेरी सिंपल बिकॉज हम काफी बार इसके पोजिशन को चेंज करते हैं, कई बार हम इसे स्केल करते हैं. इन दैट केस आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, आप एक साथ काम कर सकते हो. एंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे. यहां तक का काम खत्म हो चुका है, एक लेआउट हमारे पास आ चुका है एंड यहाँ पे स्पेशल ऑफर या फिर दीपावली दुर्गा पूजा ऑफर या फिर कोई कोई भी सेल का कुछ भी आप लगा सकते हो. ये बेसिकली एक बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट होता है जहाँ पे आप सही तरीके से अपने मैसेज को अगर आप डालते हो तो आपका जो कस्टमर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है. एंड वेरी चूजी ऑन रिलेटेड टू कलर की क्या फिल करना है. अभी मैं एक कलर फिल कर ले रहा हूँ एंड देखते हैं आगे कि इसमें कलर में और क्या क्या किया जा सकता है एंड कौन सा टेक्स्ट रखेंगे. तो फिलहाल मैं एक सिंपल टेक्स्ट रख ले रहा हूँ, इस पर बाद में दिमाग लगाएंगे. अभी गिफ्ट वाउचर मैंने रख दिया, जो जो मैटर्स हैं इससे रिलेटेड लाइक कोई टर्म्स एंड कंडीशन या डेट वगैरह कब से कब तक ये वैलिड है, तो वो चीज़ डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइफ टाइम तो नहीं होगा ना वो गिफ्ट वाउचर, वो वैलिडिटी के साथ होगा. एंड इसे यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं जिससे कि वो साथ ही साथ मैसेज भी कॉन्वे कर दे कि ये कब तक है,
क्योंकि गिफ्ट वाउचर देने का जो अल्टीमेटम होता है वो ये होता है कि आप अपने कस्टमर को बुला रहे हो कि आप मेरे पास आ जाओ, इससे आपका बेनिफिट है और हमारा तो होगा ही क्योंकि आप आ रहे हो ना, तो मेरा तो बेनिफिट होगा ही। सो इन दैट केस आप जो है वो एज अ डिजाइनर आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि अपने डिजाइन को कैसे अपीलिंग बनाए। आफ्टर ऑल कंपनी ने ये सारे खर्च सिर्फ इसलिए किए हैं कि कस्टमर जो है वहां तक पहुंच सके, इससे उनका एडवर्टाइजमेंट होगा, लोग जानेंगे, एंड फ्यूचर में भी कई सारे जो हैं वो शॉपिंग वगैरह या फिर वहां पे कुछ फूड से रिलेटेड कुछ सर्विस लेना है तो वो चीजें वहां से वो ले सकते हैं। सो 50% सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होता है ना, कहीं पे भी हम देखते हैं तो 50% लिखा रहता है, सेव अप टू 50% मीन्स 50% तक का जो है वो छूट यहाँ पे मिल सकता है। तो हमने रख दिया स्पेशल गिफ्ट वाउचर एंड थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे रख लेंगे, कुछ भी आप जो भी रखना चाहते हैं डिटेल्स वो सिंपल सा यहाँ पे मैंने कुछ कॉपी करके पेस्ट कर दिया, एंड इसके साइज को मैं छोटा रख लूंगा, ज्यादा बड़ा डिटेल में नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं कि 4 लाइन का आप डिटेल्स रख दो, आप एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रखोगे जो कि उस डिस्काउंट से रिलेटेड होगा। नाउ अभी मैं छोटा सा डिवाइडर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, द आइडिया इज कि वो सेपरेट सेपरेट जो है वो दिखा सके। ओके, तो आप अपने डिजाइन में क्या करते हैं और किस तरीके से चीजों को यूज करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। कोई भी आर्टिस्ट जब बनाता है, कोई डिजाइनर जब डिजाइन करता है अपने कंटेंट्स को, तो ऑलवेज उसका अपने एक माइंड में एक इमेजिनेशन होता है कि मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या मैसेज कन्वे करना है, एंड दैट्स द पॉइंट। सो अभी मैं यहाँ पे चूज कर ले रहा हूँ डिफरेंट फॉन्ट, एंड दिस फॉन्ट इज माई फेवरेट एंड मैं इसे यूज करता हूँ। बट ऐसा जरूरी नहीं कि आपका कोई स्पेसिफिक फॉन्ट फेवरेट है तो आप उसे ही हमेशा हर जगह चिपका दो, आप हमेशा ये थोड़ा एक्सप्लोर करोगे एंड वो ज्यादा सही रहेगा। तो थोड़ा सा इसे मैं सेट कर लेता हूँ एंड एक बार मैटर सारा जो है इसे अच्छे से रख देंगे, एंड उसके बाद जो है आप ज्यादा डिटेलिंग पे ध्यान देंगे। एक कलर चूज कर लेने, नीचे मैं आइकन्स यूज करने वाला हूँ जिसमें मैं कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड बाकी सारी चीजें जो है वो डालने वाला हूँ। तो तीन मैंने कॉपी कर लिया, तीन स्टैंडर्ड होता है, थ्री स्टैंडर्ड होता है, आई कैची होता है। तो इसे सेट कर लेते हैं, इसके साइज को स्केल कर लेते हैं, एंड गाइज यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट्स एंड एड्रेस, ये सारी चीजें मेंशन होंगी। फॉन्ट एक जैसा यूज करेंगे, बहुत ज्यादा फॉन्ट डिफरेंट टाइप के यूज नहीं करेंगे। मैंने टाइपोग्राफी का एक सेशन प्रॉपर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज टाइपोग्राफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत सारी चीजें उसमें आइडिया आ जाएंगे। जो लोग भी नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज अपकमिंग वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे नोटिफिकेशंस के थ्रू से, कोई भी सेशन आपसे मिस नहीं होगा। दिस सर्विस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल, सो गाइज इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए एंड शेयर एंड सपोर्ट, शेयर करके हमें सपोर्ट करें, लाइक करें गाइज, जिससे कि हम और भी कंटेंट्स आपके लिए तैयार करें। सो दिस इज अ सैम्पल एड्रेस, प्लीज इस एड्रेस पे मत जाइएगा, ये एक सैम्पल एड्रेस है एंड मैंने सिर्फ ऐसे ही रख दिया है सिंस आई एम फ्रॉम रांची, और इसी की वजह से मैंने रांची जो है वो डाल दिया है। इट्स वेरी फेमस सिटी, धोनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड मेरे पास है जो पहले से मैंने डिजाइन करा है एंड मैं उसे ही यहाँ पे जो है वो प्लेस करने वाला हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये डिजाइन आपको अच्छा लग रहा होगा। इसकी ओपेसिटी वगैरह या फिर बाकी सारे चेंजेस आप इजिली कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट, लाइट और ब्राइटनेस जो है वो अच्छे से एडजस्ट कर देंगे सो ये ज्यादा अपीलिंग हो जाए। सो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके डिजाइन को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। अभी यहाँ पे आ जा रही है बात इमेजेस की, तो कुछ इमेजेस मैंने पिक करके रखे हैं जो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। इन सभी इमेजेस को मैं यहाँ पे क्लिप मास्क कर रहा हूँ। क्लिप मास्क से बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी शेप के ऊपर में एक इमेज को रखते हो, राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क करते हो, जिससे कि स्पेसिफिक जो इमेज है वो उस रिक्वायर्ड एरिया में आ जाता है। ये मैंने ऑलरेडी जो है वो क्लिप मास्क का एक सेशन प्रॉपर लिया है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो फोटोशॉप का वो सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। क्या बनाना है इसकी क्लियरिटी अगर आपको है ना, तो फिर चीजें जो है वो काफी इजी हो जाती है आपके लिए, आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। तो आई रिकमेंड यू, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप पेपर पे एक बार रफ स्केच जरूर बना लें, जिससे आपको एक आइडिया जाएगा। हाँ ये भी होता है कि आप एक बार कोई बना लेते हो डिजाइन, तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली जो है वो वही का भी बनाओगे, थोड़ा चेंजेस तो करोगे ही बट एक आइडिया आपको मिल जाएगा, तो मेहनत आपको कम करना पड़ेगा, चीजें कम चेंज करनी पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो गाइज बनाते रहिए, इंजॉय करते रहिए, डिजाइनिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, अ लॉट ऑफ थिंग जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी, और इन चीजों को मजे मजे में काम करके आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। इट्स वेरी इजी, क्योंकि आप जब जानते हैं कि कोई एक अच्छा डिजाइन बनाता है तो उसका अपना एक वैल्यू होता है, मार्केट में उसका डिमांड होता है, और अच्छा खासा पैसा आप वहां से अर्न कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, व्हाटएवर।
तो मैंने ऑलमोस्ट जो कंटेंट यानी टेक्स्ट का जो पार्ट है वो सारी चीजें मैंने रख दी हैं। एंड थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कलर्स को लेके, चूज कर लेते हैं कि कौन सा जो कलर है वो यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये चीजें थोड़ी एक्सपेरिमेंट करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से एक ही बार में पिक करोगे और वो बहुत ब्यूटीफुल लग जाएगा। आपको चेक करना पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट जो है वो सही लग रहा है। लाइक मैं इसे बैकग्राउंड रख रहा हूँ, बट ये उतना कोई खास नहीं लग रहा, तो आप इसका सिलेक्शन करके डिलीट भी कर सकते हो, है ना। इसका बैकग्राउंड का कलर भी करके ट्राई कर सकते हो। तो एक्सप्लोर जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे ऑन योर डिजाइन, वो आपका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा बनने की पॉसिबिलिटी जो है उसकी वो हो जाएगी। अगर आपके पास समय है तो आप अपने डिजाइन पे थोड़ा सा समय दीजिए। चीजों को ज्यादा डिटेल में करेंगे तो आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा एंड गाइस काम भी ज्यादा अच्छा होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट सारा डेटा रख दिया, मैंने कुछ कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छे से क्रिएट कर लिए एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सारी चीजें हमने सेट कर ली हैं, कुछ चीजें बची तो नहीं है, आप देख लो। यहाँ पे मैं लेवल करने वाला हूँ बिकॉज जो ओवरऑल जो कलर है इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा, थोड़ा सा लाइट एंड डार्क कर लेते हैं जिससे कि ज्यादा अपीलिंग हो जाए। अच्छे से सेट आपने कर लिया, चलिए कर्व्स को सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा कर्व्स को सेट करने से ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट आता है। एंड फाइनली दैट्स इट, हो गया। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, बाय।